हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तौफिक और आप देख रहे हैं टेक्निकल तौफिक चैनल। चलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइम वार्प फेस स्कैन वीडियो एप्लीकेशन के बारे में। जो दोस्तों एप्लीकेशन होता है क्या है, किस प्रकार से आपको मोबाइल में काम करेगा, इसी के बारे में आज आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को इन तक जरूर देखना और वीडियो कहीं पर भी अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक और चैनल कर देना सब्सक्राइब। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो दोस्तों मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही मज़ेदार एप्लीकेशन। जी दोस्तों, इस एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर आप ट्रेंडिंग फेस स्कैन बॉडी स्कैन वीडियो यहां पर आप बना सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। जो दोस्तों इस टाइप के यहां पर आप फेस स्कैन मैजिक फिल्टर का यहां पर आप यूज करके यहां पर आप अपने फेस स्कैन बॉडी स्कैन के वीडियो यहां पर आप बना सकते हो, वो भी एकदम बिल्कुल फ्री में। आप अपने ऑलरेडी पहले से फोटो या वीडियो जो आपके है उससे भी यहां पर आप बना सकते हो या फिर डायरेक्टली शूट करके भी बना सकते हो। विदाउट वाटरमार्क आपको यह एप्लीकेशन आपको मिल जाता है दोस्तों। टाइम वार्प स्कैन फोटो फिल्टर यहां पर आपको मिल जाता है। नो वाटरमार्क यहां पर आपको मिल जाता है। ब्लू लाइन फिल्टर यहां पर आपको स्पीड मिल जाती है। तो दोस्तों बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। तो किस प्रकार से आप इस एप्लीकेशन को यूज करोगे, तो ऐसे आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देंगे। यहां पर आपको फेस स्कैन का यहां पर आपको एप्लीकेशन का लोगो भी मिल जाता है। टाइम वार्प ये एप्लीकेशन का नाम है। थोड़ा सा यहां पर एप्लीकेशन लोड लेता है तो यहां पर आपको इसे लोडिंग हो देना है। इस प्रकार से यहां पर आपको इंटरफेस दिखाई देगा। और अगर दोस्तों आप भी हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कंटिन्यू टू एप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है दोस्तों। आपको क्लिक करने के बाद थोड़ा सा यहां पर आपको वेट कर देना है। वेट करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको ट्रेंडिंग वाले ऑप्शन पर अभी हम हैं। यहां पर आपको बहुत सारे फिल्टर यानी कि टेम्पलेट देखने को मिल जाते हैं। इतने सारे यहां पर आपको टेम्पलेट मिल जाते हैं दोस्तों। कोई भी टेम्पलेट का यूज करके आप अपने फेस स्कैन वीडियो यहां पर आप बना सकते हो। टेम्पलेट के अंदर ऑलरेडी पहले से म्यूजिक भी रहता है। अगर आपको कोई दूसरा म्यूजिक लगाना है तो आप म्यूजिक भी लगा सकते हो। उसी के अंदर दोस्तों म्यूजिक का भी ऑप्शन दिया है तो आपसे म्यूजिक भी लगा सकते हो, या फिर अगर आपको टेम्पलेट का म्यूजिक पसंद आता है तो वो म्यूजिक भी आप रहने दे सकते हो। साइड में ऐसे आपको कैमरे यानी कि शूट का ऑप्शन दे देता है। डायरेक्टली अगर आपको शूट करना है और अगर आपको टेम्पलेट वीडियो बनाना है तो यहां से आप बना सकते हो। साइड में ऐसे आपको गैलरी का ऑप्शन दिया है दोस्तों, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूं तो यहां से आपको फोटो वीडियो का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप पहले से अगर आपके पास कोई फोटो या वीडियो है और अगर उसको आप फेस स्कैन या बॉडी स्कैन वीडियो अगर उसमें बनाना चाहते हो तो यहां से आप वीडियो फोटो लेकर भी बना सकते हो। ट्रेंडिंग वाले ऑप्शन पर फिर से मैं आ जाता हूं दोस्तों। आने के बाद दोस्तों यहां से आपको कोई भी एक फिल्टर चूज कर लेना है जो फिल्टर में आप बनाना चाहते हो, या फिर अगर आपको डायरेक्ट शूट करना है डायरेक्ट भी शूट कर सकते हो। तो यहां से मैं एक फिल्टर ले लेता हूं। तो दोस्तों फिल्टर पर टैप करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ यहाँ पर आपको फिल्टर का नाम मिल जाता है, ओनर का नाम मिल जाता है। नीचे की तरफ स्कैन नाउ का ऑप्शन मिल जाता है। स्कैन नाउ वाले ऑप्शन पे आप दोस्तों जैसे ही क्लिक करते हो आपको डायरेक्टली आपके कैमरे के अंदर ये एप्लीकेशन लेके चल जाता है। जो कि एप्लीकेशन का कैमरा होता है उसके अंदर आपको लेके चल जाता है। उसमें आपको दोस्तों वीडियो शूट कर लेना है। वीडियो शूट करने के बाद जो भी आपने फिल्टर चूज किया था वो फिल्टर ऑटोमेटिकली वो वीडियो के ऊपर लग जाता है। लगने के बाद दोस्तों आपको अगर आपको वीडियो बड़ी करनी है तो बड़ी भी कर सकते, या फिर आप उसको छोटी वगैरह करना चाहते हो तो छोटी भी कर सकते हो, या फिर दोस्तों अगर उसको स्लोमो या फिर स्पीड में करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। टाइमर भी दोस्तों यहां पर कैमरे के अंदर दिया है। टाइमर के बाद रोटेशन भी दिया है दोस्तों। बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। डायरेक्टली आप शूट करके भी ऑप्शन यहां से आप कर सकते हो। और दोस्तों उसके अंदर आपको म्यूजिक का भी ऑप्शन दिया है। म्यूजिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना मनचाहे म्यूजिक भी लगा सकते हो, या फिर आप अपने फिल्टर का म्यूजिक भी रहने दे सकते हो। तो ये दोस्तों मैंने आपको आगे का प्रोसेसिंग इसलिए नहीं बताया क्योंकि वीडियो शूट नहीं हो रहा था, मेरा मोबाइल एप्लीकेशन को परमिशन नहीं दे रहा था, इसके लिए मैंने आगे का वीडियो नहीं बताया। तो दोस्तों आगे का वीडियो बहुत ही इजी तरीके से आप इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली स्कैन नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना और आपका वीडियो बहुत ही इजी तरीके से बन जाएगा। आपको आप ऑटोमेटिकली स्टेप बाय स्टेप चलते जाओगे। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है, बहुत ही अमेजिंग एप्लीकेशन है, ट्रेंडिंग एप्लीकेशन है। फेस स्कैन वीडियो आप इस एप्लीकेशन के जरिए बना सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। और दोस्तों इस एप्लीकेशन को आप एक बार जरूर ट्राई करना। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो कर देना लाइक और चैनल कर देना सब्सक्राइब।